नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑफिस दोबारा। अभी इससे पहले बोटनी क्लास थी अपनी, ठीक है। आ गए आप उठ के, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे आज एग्रीकल्चर की जो सेकंड क्लास है, FCI मेंस के लिए एग्रीकल्चर पढ़ रहे थे। एलिमेंट्री बोटनी अपनी चल रही थी, बिना टाइम खोटे किए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर नोट्स बनाते रहना और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है तुरंत याद करते रहना। मैं रिपीट कर देता हूँ बार बार, जितनी बार सुनोगे उतनी बार माइंड में स्टक करेगा और वो याद रहेगा, ठीक है। ये क्लास अपनी रेगुलर चल रही है, आप बोलोगे तो ज़्यादा ज़्यादा क्लास लेने लग जाएंगे, कोर्स तो ख़त्म करवाना ही है ना। तो जो लोग जुड़े हुए हैं उनका वेलकम है, और जो लोग नहीं जुड़े हैं उनको आप जोड़ो, आपकी जिम्मेदारी बनती है, सबका सिलेक्शन हो। अपने इस प्लेटफॉर्म से लगभग जितने लोग जुड़े हैं, मैं चाहता हूं कि लगभग सब अच्छा स्कोर करें मेंस में, ठीक है। और सब जो मैंने पढ़ाया है उसमें से अगर क्वेश्चन आए, देखो अपन ने जो नहीं पढ़ाया है और तुमने भी नहीं पढ़ाया, वो छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो अपन ने पढ़ाया है क्लास में है, वीडियो में है, वीडियो एग्ज़ाम के बाद भी रहेगी, ऐसा तो है नहीं कि एग्ज़ाम के बाद नहीं रहेगी, वीडियो डिलीट हो जाएगी, सब रहेगी। अगर जितना मैंने पढ़ाया है उसमें से अगर तुम्हारे क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन तुमसे बन जाते हैं, इसका मतलब ये है मेरे पढ़ाने का क्या है, मुझे क्या मिल गया है, एक अवार्ड मिल गया है, ठीक है। ना तो रिवार्ड की ज़रूरत है ना अवार्ड की, लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर तुम्हें मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है और मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और हो सकता है तो वो अवार्ड और रिवार्ड से कम नहीं है। आपके कमेंट ही हमारे लिए अवार्ड हैं या रिवार्ड हैं, ठीक है। तो सबको जोड़ते रहिए, कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, और सब्सक्राइब चैनल नहीं किया हो तो द एग्रीकल्चर गुरुजी द फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब करें। आगे भी एग्रीकल्चर कंपटीशन एग्ज़ाम देने हैं आपको, या कोई भी एग्ज़ाम देने हैं जिसमें रिलेटेड अपने बायो, जूलॉजी, बॉटनी, एग्रीकल्चर, पैथोलॉजी, एंटेमोलॉजी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी सब्जेक्ट है वो सब यहाँ पर कवर करवा देंगे। कुछ लोग आगे की तैयारी भी कर रहे होंगे, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की तैयारी कर रहे होंगे, अपने अपने स्टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, और लगभग लगभग यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे जो जुड़े हैं लगभग सब बच्चे अपने फ्यूचर को लेकर ज़्यादा ही अच्छे से जानते हैं या सोचते हैं। तो लगभग लगभग सब लोग क्या करो, अपने इस प्लेटफॉर्म को अच्छे से रिप्रेजेंट करो और अच्छे से आप देखो ताकि सब लोगों को फ़ायदा हो। बिना किसी अब किसी बात के अपन स्टार्ट कर देते हैं एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट, जो कि अच्छा है। और अपन ने कल एलिमेंट्री एंटोमोलॉजी स्टार्ट की थी, उसमें मैंने इंसेक्ट के बारे में बताया था, ठीक है। आज कल मैं जो बता रहा था मेटामॉर्फिज्म, यानी कि मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, इंसेक्ट का मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, रेडियल चेंजेस इन मॉर्फोलॉजी, रेडियल चेंजेस इन मॉर्फोलॉजी ऑफ द इंसेक्ट बॉडी इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। हिंदी में कुछ लोग बोल रहे सर हिंदी में पढ़ाओ, तो मैं हिंदी भी बोलता हूँ, इंग्लिश भी बोलता हूँ, आप सुन लीजिए। अगर कीट के शरीर में कोई भी परिवर्तन हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस। ये दो टाइप का पढ़ाया था मैंने कल, इनकम्प्लीट और कम्प्लीट, तो ठीक है। एक बार उसको देखो, रिवाइज में करवा देता हूँ। पहला पढ़ाते हैं अपन इनकम्प्लीट, ठीक है। इनकम्प्लीट कुछ चीज़ें छूट गई थी, इनकम्प्लीट को बोलते हैं अपन डायरेक्ट या ग्रेजुअल, या फिर इसको बोलते हैं हेमी मेटाबोला, ये इस नाम से आ सकता है इनकम्प्लीट। इसमें क्या होता है, एक बनता है, एक के बाद जो लार्वा इसका जो निकलता है उसको क्या बोलते हैं, निम्फ, और फिर क्या होता है एडल्ट, मतलब कितनी स्टेज में कंप्लीट कर ली लाइफ साइकिल, तीन स्टेज में, एक, निम्फ और एडल्ट, ठीक है। तो इनकम्प्लीट को अपन ग्रेजुअल, डायरेक्ट और हेमी मेटाबोला में बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरा कौन सा है, इसके अलावा दूसरा है अपना कंप्लीट, या इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट, ठीक है, या इसको बोलते हैं होलो मेटाबोला, या इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एक बनता है, एक के बाद इसमें बनता है लार्वा, डिफरेंट टाइप ऑफ लार्वा, फिर इसमें बनता है प्यूपा, और प्यूपा में क्या होता है, प्यूपा किसके अंदर होता है, एक, इसमें एक क्या होता है, सराउंडेड एक कवर होता है जिसको बोलते हैं कोकून, उसमें प्यूपा रहता है, और प्यूपा जनरेट होकर क्या हो जाता है, बाद में एडल्ट बन जाता है। तो इसमें कितनी स्टेप है, फोर स्टेप है, ठीक है। कंप्लीट, इनडायरेक्ट, ये सब इसका नाम है। कंप्लीट में चार स्टेप में पूरा करेगा, इनकम्प्लीट में अपना लाइफ साइकिल तीन स्टेप में पूरा करेगा। अब इसके एग्जाम्पल देखो कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल जिनमें क्या बनता है, निम्फ बनता है, ठीक है, जिनमें क्या बनता है, निम्फ बनता है। तो इसके एग्जाम्पल और अपन देखेंगे इसके एग्जाम्पल जिसमें कि लार्वा स्टेज बनती है।
तो इसमें सबसे पहले एग्जांपल की बात करें तो ये इनकम्प्लीट, जो इनकम्प्लीट या इनडायरेक्ट होता है मेटामॉर्फिस किस में होता है, ये होता है हेमिप्टेरा में। हेमिप्टेरा के ये ऑर्डर है, ठीक है। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है इंसेक्ट में, मैंने कल 29 ऑर्डर का क्लासिफिकेशन बताया था तुम्हें, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। हेमिप्टेरा में दो सब ऑर्डर में बांटा है, एक इसको बोलते हैं होमोप्टेरा, एक बोलते हैं हिटेरोप्टेरा। हिटेरोप्टेरा एंड होमोप्टेरा, होमोप्टेरा हिटेरोप्टेरा। हिटेरोप्टेरा में आते हैं जेसिड एंड ट्रूबक्स, ये भी पूछ सकते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है। ट्रूबक्स एंड जेसिड किस में आते हैं, हिटेरोप्टेरा में, और होमोप्टेरा में आते हैं एफिड, एफिड्स एंड लीफ ऑफर। लीफ ऑफर इसमें आते हैं किस में, होमोप्टेरा में, ठीक है। तो इन ऑर्डर में क्या पाया जाएगा, इनकम्प्लीट, मतलब इनके सदस्यों में क्या बनेगा, निम्फ बनेगा और एडल्ट बाद में बनेगा। इसके अलावा थायसेनोप्टेरा, थायसेनोप्टेरा, थायसेनोप्टेरा में क्या आते हैं, थायसेनोप्टेरा में आते हैं थ्रिप्स, क्या आते हैं इसमें, थ्रिप्स आते हैं। थ्रिप्स किसके, मेनली किसके वो हैं, थ्रिप्स हैं अपने लहसुन और प्याज में ज़्यादातर थ्रिप्स लगते हैं। थ्रिप्स क्या होते हैं, थायसेनोप्टेरा थ्रिप्स सॉफ्ट बॉडीड इंसेक्ट होते हैं, ठीक है। तो थायसेनोप्टेरा में ये अपने क्या आएंगे, थ्रिप्स आएंगे, और हेमिप्टेरा में दो पार्ट है, हेमिप्टेरा में दो पार्ट है, इसलिए इसको क्या आएंगे, एट्रोप्टेरा। होमोप्टेरा में ये है इंसेक्ट आएंगे, थ्रिप्स किस में, थायसेनोप्टेरा में। इसके अलावा एक और है ऑर्थोप्टेरा, ऑर्थोप्टेरा, ऑर्थोप्टेरा में अपने आएंगे, एक आएगा अपने ऑर्थोप्टेरा में ग्रास होपर। लीप होपर तो उसमें आ गए, ग्रास होपर इसमें आएगा, ग्रास होपर। इसके बाद टिड्डे, टिड्डी दल जो होता है ना, जो बहुत नुकसान करता है, टिड्डी दल, लोकस्ट वगैरह, वो किस में आएंगे, लोकस्ट और ग्रास होपर ऑर्थोप्टेरा में आएंगे। इसके अलावा इसमें कॉकरोच भी आ जाएगा, कॉकरोच, ठीक है, कॉकरोच आएगा, ठीक है। तो इन सब में ग्रास होपर हो, लोकस्ट हो और कॉकरोच हो, इसमें ऑर्थोप्टेरा में आते हैं, और ऑर्थोप्टेरा में इनकम्प्लीट या ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। थायसेनोप्टेरा थ्रिप्स आते हैं, और तुम्हें देखो ये तो पढ़ा ही रहा हूँ मैं कि कंप्लीट इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में, मेरा उद्देश्य क्या है, पर्पस ये है कि तुम्हें इन इनमें जो आने वाले ये इंसेक्ट है वो भी याद हो जाए ऑर्डर सहित। इसके अलावा एक होता है आइसोप्टेरा, आइसोप्टेरा में क्या आते हैं, टर्माइट आते हैं, यानी कि दीमक आते हैं, यानी कि दीमक, और लोकस्ट को बोलते हैं टिड्डी, और इसको बोलते हैं तिलचट्टा, ठीक है, कुछ लोग हिंदी की डिमांड कर रहे हैं इसलिए, ग्रास ऑपर को बोलते हैं बट टिड्डा, टिड्डा टिड्डी दल है पूरा, ये ग्रेगरियस होते हैं, अर्थात ये अपने किस में रहते हैं, ये रहते हैं अपने समूह में रहते हैं, लाखों की संख्या में रहते हैं। अभी इसका अटैक राजस्थान में हुआ है, ये कहाँ से आते हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान से उड़ते हुए आते हैं, और राजस्थान के जो किनारे लगे जोधपुर जैसलमेर बीकानेर वगैरह, इनमें ये फसलों में तबाही मचा देते हैं। तो अभी चल रहा है राजस्थान में, जोधपुर में इसका मॉनिटरिंग सेंटर बनाया गया है, और कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट यूज किए जा रहे हैं। टिड्डी दल ये किधर से आता है, ये अपने अरब कंट्रीज से आते हैं, और एक साथ ही पूरा ग्रेगरियस होता है और पूरे फील्ड को ख़त्म कर जाते हैं, जितनी भी वनस्पति होती है, टिड्डा जो है जितने भी अपने वेजिटेटिव पार्ट होते हैं सबको खा जाते हैं, मतलब पूरा वेजिटेटिव पार्ट को खाते हैं, कुछ नहीं छोड़ते हैं, पूरी फसल को खा जाते हैं। तो टिड्डी, कॉकरोच और ग्रास होपर, यानी टिड्डा, किस में आते हैं, ऑर्थोप्टेरा में, इनमें पाया जाता है इनकम्प्लीट, तो इनकम्प्लीट दीमक में भी पाया जाता है। मतलब इन सब के जो एक के बाद जो बनेगा वो क्या बनेगा, निम्फ, और निम्फ जिस किसके जैसा होता है, एडल्ट के जैसा दिखता है निम्फ, इनके बच्चे को बोलते हैं निम्फ, और वो दिखता है एडल्ट जैसा, ठीक है। उनमें बस गोनेट्स नहीं होते, जननांग और पंख, विंग्स और आइज डेवलप नहीं होती है, बाकी सब उसके जैसा दिखेगा, एडल्ट के जैसा। और कंप्लीट इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट होमोप्टेरा और कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसमें बनेगा एग और लार्वा और प्यूपा और एडल्ट, चार स्टेज बनेगी। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे अपने एग्जाम्पल कोलियोप्टेरा, ठीक है, कोलियोप्टेरा, ठीक है, कोलियोप्टेरा। कोलियोप्टेरा में अपने पास आ जाएंगे बीटल्स, जितने भी बीटल्स हैं, इसके अलावा जितने भी वीबिल्स हैं वो भी किस में आ जाएंगे, कोलियोप्टेरा में। बीटल्स आ जाएंगे, वीबिल्स आ जाएंगे कोलियोप्टेरा में, ठीक है। तो ये अपने कोलियोप्टेरा में आते हैं, ठीक। इसके अलावा अपने इन सब में क्या होगा, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, एक आ जाएगा लेपिडोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा, इसमें आ जाएंगे अपने पास मोथ, मोथ मतलब बटरफ्लाई,
मोत आ जाएगा, बटरफ्लाई आ जाएगी, जितने भी बोरर हैं, फ्रूट बोरर्स वगैरह वगैरह, सूट बोरर, फ्रूट बोरर, सब लेपिडोप्टेरा में मोत हैं। जितने भी बोल वर्म हैं, बोल वर्म मतलब, बोल वर्म क्या होते हैं, जैसे कपास यानी कॉटन का जो बोल होता है उसको अपन, उसमें कीड़ा लग जाता है, एक इंसेक्ट, उसको बोलते हैं बोल वर्म। जितने भी मोत हैं, बटरफ्लाई है, बोरर है और बोल वर्म है, ये सब किस में आएंगे, लेपिडोप्टेरा में आएंगे। कोलियोप्टेरा में बीटल्स आएंगे, विविल्स आएंगे। तो इनमें जो बता रहा हूँ वो कम्प्लीट और इनडायरेक्ट होलोमेटाबोला और कॉम्प्लेक्स प्रकार की क्या पाई जाएगी, मेटामॉर्फोसिस। लेपिडोप्टेरा में देखो मोथ, बटरफ्लाई, मोथ भी आते हैं और एक सिल्क मोथ, सिल्क मोथ जो कि सिल्क बनाता है, रेशम कीट, वो भी किस में आता है, लेपिडोप्टेरा। इनमें भी क्या होता है, इनमें भी क्या बनती है, लार्वा स्टेज, लार्वल स्टेज बनती है। मोथ, बटरफ्लाई, सिल्क मोथ, बोरर और बोलवर्म, ठीक है। बोरर में एक बोरर नहीं आता, ठीक है, एक्सेप्ट एक्सेप्शन है लेजर ग्रेन बोरर, ठीक है, लेजर ग्रेन बोलर इसका क्या है, एक्सेप्शन है। लेजर ग्रेन बोरर में क्या नहीं बनता, ये नहीं बनता, लार्वा नहीं बनता है, तो एक्सेप्शन है। बाकी जितने बोलवर्म हैं, बटरफ्लाई, मोथ, सिल्क मोथ है, बोरर है, सब किस में आएंगे, लेपिडोप्टेरा में, और वो क्या बनाएंगे, लार्वल स्टेज, चार स्टेज में कंप्लीट करेंगे लाइफ साइकिल। कोलियोप्टेरा में बीटल और विविल्स आएंगे, ये भी करेंगे, ठीक है। इसके बाद एक ग्रुप और आता है डिप्टेरा, डिप्टेरा इसमें सब के सब क्या आएगी, मक्खियाँ और फ्लाइज, ठीक है, ठीक है, ऑल फ्लाइज आएगी, लेकिन किसको छोड़कर, एक्सेप्ट दो फ्लाइज नहीं आएगी, एक नहीं आएगी, मस्टर्ड सा फ्लाई और एक वाइट फ्लाई, वाइट फ्लाई बेमेसिया टेबेकाई, बहुत इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है, मस्टर्ड सा फ्लाई और वाइट फ्लाई इसमें नहीं आती, ठीक है, डिप्टेरा में, डिप्टेरा में नहीं आती है। सारी फ्लाई देखो कंफ्यूज कैसे होते हैं, मस्टर्ड सा फ्लाई, वाइट फ्लाई, ये दोनों भी क्या है कि ये दोनों भी फ्लाई है, तो ये डिप्टेरा में आ जाएगी। तो ऑल फ्लाइज जो है, सभी फ्लाइज किस में आती है, डिप्टेरा में आती है, लेकिन डिप्टेरा में नहीं आते हैं, कौन सी, मस्टर्ड सा फ्लाई और वाइट फ्लाई, इनमें नहीं पाया जाता है, क्या, इनमें लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती, लार्वल स्टेज पाई जाती है, ठीक है, लेकिन फ्लाइज इसमें नहीं आती है, बाकी सब फ्लाइज किस में आती है, लार्वा में। इनमें ये जो साफ मस्टर्ड सा फ्लाई है ये हाइमेनोप्टेरा में आती है, और वाइट फ्लाई है ये किस में आती है, वाइट फ्लाई कोलियोप्टेरा में आती है, वाइट फ्लाइज किस में आती है, कोलियोप्टेरा में आती है। इसके अलावा और किस में पाया जाएगा, हाइमेनोप्टेरा में पाया जाएगा, हाइमेनोप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा में, हाइमेनोप्टेरा में देखो सभी फ्लाई, फिर कंफ्यूज मत होना, जितनी भी मक्खियां हैं ऑल फ्लाइज किस में आएंगे, डिप्टेरा, डिप्टेरा मतलब डाइप्टेरा, दो पंख, एक जोड़ी पंख, एक जोड़ी, दो जोड़ी पंख होते हैं इंसेक्ट में, टू पेयर ऑफ विंग्स, लेकिन एक पेयर ऑफ विंग्स होल्टर्स में चेंज हो जाता है, ऐसे हनुमान जी की जैसे गधा होती है ओल्टर्स, वैसे चेंज हो जाता है, केवल उड़ने में केवल एक पेयर मदद करता है, तो इसको डिप्टेरा, डाइप्टेरा मतलब दो पंख, ऐसे वाले कीट यानी मक्खियाँ किस में आती है, सभी डिप्टेरा में आती है। और मस्टर्ड सा फ्लाई किस में आती है, वो हाइमेनोप्टेरा में आती है, और वाइट फ्लाई आती है अपनी कोलियोप्टेरा में। तो मस्टर्ड सा फ्लाई, वाइट फ्लाई इसलिए लिख दी ताकि तुम फ्लाइज में इनकी गिनती ना करो, ठीक है। बाकी सिल्क मोथ, मोथ, बटरफ्लाई, देखो बटरफ्लाई किस में आती है, लेपिडोप्टेरा में आती है, तो इसकी भी फ्लाइज में मत देखना इसको ना, वहाँ आएगा निम्न में से विच इज़ द ट्रू फ्लाई, विच इज़ द ट्रू फ्लाई, तो तुम्हें क्या लिखना है, डिप्टेरा वाली जितनी है वो रखना है, अगर मस्टर्ड फ्लाई, साफ फ्लाई, वाइट फ्लाई, बटरफ्लाई आ जाए तो इनको नहीं बताना, दिस इज नॉट ट्रू फ्लाई, ठीक है। कोलियोप्टेरा में वाइट फ्लाई आती है और डिप्टेरा में सभी फ्लाइज हैं, जैसे घरेलू मक्खी, मस्का डोमेस्टिका वगैरह, लेकिन मस्टर्ड सा फ्लाई और वाइट फ्लाई अलग में आती है। मस्टर्ड सा फ्लाई हाइमेनोप्टेरा में क्या आती है, एक तो देखो सा फ्लाई, मस्टर्ड सा फ्लाई याद कर लेना, मस्टर्ड सा फ्लाई। इसके अलावा चींटियां यानी कि आंट्स, वास्प यानी कि ततैया, वास्प, और इसके अलावा हनी बी, हनी बी, ये सब इसमें आते हैं, वास्प, आंट्स, इधर से हनी बी, बीज और साफ्लाई किस में आती है, हाइमेनोप्टेरा में। अर्थात इन जो ऑर्डर है, ये चार ऑर्डर है, हाइमेनोप्टेरा, डिप्टेरा, लेपिडोप्टेरा, कोलियोप्टेरा, इनमें क्या बनेगा, लार्वा, इसलिए अपन को इनके लार्वा पढ़ना भी ज़्यादा ज़रूरी है। और इनमें क्या बनेगा, निम्प, इनके निम्प ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद कर लेना कि निम्प बनता है, और निम्प बनता है, और इनकी जो डैमेजिंग स्टेज होती है, ज़्यादातर डैमेजिंग, इन जीवों की डैमेजिंग स्टेज कौन सी होती है, निम्प प्लस
एडल्ट दोनों ही ये मिलकर पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, निम्फ और एडल्ट। लेकिन इनमें डैमेजिंग स्टेज ज़्यादातर कैसी होती है, लार्वल स्टेज ही ज़्यादा होती है डैमेजिंग स्टेज, क्योंकि ये सब कुछ खाता है। तो एग के बाद जो लार्वा, जो इल्ली, लार्वा को अपन क्या बोल सकते हैं, इल्ली, इल्ली बनती है लार्वा के बाद, लार्वा में जो इल्ली बनती है वो इल्ली खाती है और बहुत ग्रेगरियस रूप से फीड करती है, पौधों को बहुत नुकसान पहुंचाती है। या फिर लार्वा बनता है तो स्टोर ग्रेन पेस्ट, जो अपन ने पेस्ट, जो अपन ने जैसे दाल चावल मक्का ये जब स्टोर हाउस में रख रखे हैं, वीट राइस वगैरह, तो उनको भी कौन खाता है, इल्ली खाती ज़्यादातर। ठीक है, तो इसमें जो डैमेजिंग स्टेज है वो लार्वा है, इसमें डैमेजिंग स्टेज निम्फ और एडल्ट दोनों है। और इन सब में पाई जाएगी इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, अर्थात इनमें निम्फ बनेगा, इन सब में पाई जाएगी इनडायरेक्ट या कम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, अर्थात इनमें क्या बनेगा, इनमें लार्वा बनेगा। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। चलो, इसके अलावा इनके लार्वा में बता देता हूँ एक बार, जो लार्वा बनते हैं उनके नाम क्या होते हैं। देखो, लार्वा निम्फ को भी अपन लार्वा ही बोल सकते हैं, निम्फ को भी अपन लार्वा बोल सकते हैं। तो अब एक साथ, क्योंकि अंडे से निकली हुई हर चीज़ लार्वा होती है, वो तो मेटामॉर्फोसिस के बेस पे अपन ने अलग अलग बांट दिए, वरना अंडे से निकली हुई हर चीज़ क्या होती है, लार्वा होती है। निम्फ भी एक टाइप का लार्वा है, लेकिन उसको लार्वा जैसे इल्ली नहीं मानेंगे, उसको एडल्ट का छोटा रूप मानेंगे। तो अब देखते हैं लार्वा के टाइप, लार्वा के टाइप में अपन निम्फ भी इंक्लूड करके पढ़ लेते हैं। तो निम्फ किस किस में बनता है, एक तो ये वाली बात, ठीक है। दूसरा, लार्वा का नाम है एक कैटरपिलर, कैटरपिलर, कैटरपिलर लार्वा किस में बनता है। दूसरा अपना ग्रब जो होता है, ग्रब लार्वा का नाम है, किस में बनता है, और एक होता है मेगट। ठीक है, ये चार प्रकार के लार्वा हैं, ये किस किस में ऑर्डर में बनते हैं। तो निम्फ तुम्हें पता है हेमिप्टेरा में बनता है, अभी मैंने बताया था हिट्रोप्टेरा और होमोप्टेरा। हेमिप्टेरा मतलब कि बग्स, यानी कि ट्रू बग्स, बग्स एक इंसेक्ट का प्रकार है, बग सिंपल नेम है बग्स। और अपन बात करें तो जेसिड, एफिड, इनको इनको हिंदी में मोहू, तेलिया, तेलिया ऐसा कुछ बोलते हैं, जेसिड एफिड याद रखो आप, ट्रूबक्स जेसिड एफिड। ठीक है, और निम्फ किस में बनेगा, निम्फ बनेगा और वाइट फ्लाई में। ठीक है, वाइट फ्लाई में क्या बनता है, निम्फ बनता है, वाइट फ्लाई में भी निम्फ बनता है। बेंड कर दो इसको, ठीक है, वाइट फ्लाई में भी निम्फ बनता है। ठीक है, अगर कुछ बोर्ड पे दिक्कत आ रही, कुछ नहीं दिख रहा है, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लेकर वहाँ पे भेज दूँगा जो पढ़ाया उसका, है बोल देना। लेकिन ये मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे पता नहीं चलता कि कहाँ पे क्या हो रहा है, मैं पढ़ाने में व्यस्त रहता हूँ। ठीक है, तो आप बोल दिया करो क्या नहीं दिख रहा, तो जो लार्वा है, ऑर्डर है, उनके मैं स्क्रीनशॉट करके बुक का मैं आपको भेज दूँगा, वहाँ से पढ़ लेना, बस समझ लेना। यहाँ पे वीडियो देखते रहना, उसमें देखते रहना, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, हेमिप्टेरा की बात करते हैं, निम्फ बनता है अपना हेमिप्टेरा में, हेमिप्टेरा में ट्रूबक्स जेसिड एफिड और बटरफ्लाई, बटरफ्लाई लाइक वाइट फ्लाई, सॉरी वाइट फ्लाई आ लाइक किस में नहीं आती, हेमिप्टेरा में नहीं आती, इसमें केवल क्या आते हैं, लीफ हॉपर, लीफ हॉपर्स। ठीक है, लीफ हॉपर्स आते हैं हेमिप्टेरा में। इसके अलावा वाइट फ्लाई में भी निम्फ बनता है, वाइट फ्लाई में फ्लाई नहीं है वो। ठीक है, उसकी फैमिली ऑर्डर उसका अलग अलग है। ठीक है, कैटरपिलर, कैटरपिलर लेपिडोप्टेरा में बनता है। ठीक है, लेपिडोप्टेरा में कैटरपिलर, लार्वा का नाम क्या है यहाँ पर, कैटरपिलर, यानी कि इसमें बोरर की बात करें या बोलवर्म की बात करें या मोथ की बात करें या सिल्क मोथ की बात करें, ठीक है, सिल्क मोथ की बात कर लें, या फिर अपन बात करें बटरफ्लाई की बात करें, बटरफ्लाई की बात करें। तो इनमें सब में क्या बनता है, कैटरपिलर, कैटरपिलर इल्ली का नाम है, लार्वा का नाम है कैटरपिलर। ग्रब की बात करें तो ग्रब याद रखना, ग्रब बनता है अपना हाइमेनोप्टेरा के सदस्यों में, हाइमेनोप्टेरा के सदस्यों में क्या बनता है, ग्रब बनता है। हाइमेनोप्टेरा में क्या क्या आएगा, जैसे आंट्स आएगी, है ना, इसके अलावा हनी बी यानी मधुमक्खी आती है, आंट्स आती है, हनी बी आती है इधर से। और कोलियोप्टेरा की बात, कोलियोप्टेरा भी इसमें आता है, कोलियोप्टेरा की बात करें, कोलियोप्टेरा में बीटल्स आते हैं, बीटल्स, वीविल्स आते हैं, बीटल वीविल्स आते हैं, ये सब किस में आते हैं, कोलियोप्टेरा में। तो इनमें क्या बनता है, ग्रब बनता है। हाइमेनोप्टेरा में आंट्स, हनी बी, और इसमें एक और याद रखना, मस्टर्ड साफ्लाई,
हंस भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं वास्प भी लिख सकते हो, वास्प भी लिख सकते हो। एक लिखना मस्टर्ड सा फ्लाई, मस्टर्ड सा फ्लाई, इसमें भी क्या बनता है अपना ग्रब बनता है। मैगट किस में बनेगा? मैगट डिप्टेरा वाले में बनेगा। डिप्टेरा जो ऑर्डर है, डिप्टेरा में क्या आएगी? ऑल फ्लाइज, बताया था अभी इससे पहले, ऑल फ्लाइज जितनी भी मक्खियाँ हैं उनमें क्या बनता है? मक्खियाँ हैं, मच्छर है, उनमें उनके लार्वा को क्या बोलते हैं? मैगट बोलते हैं। ठीक है, इसमें कौन सी फ्लाइज नहीं आएगी? इसमें एक नहीं आएगी, मस्टर्ड सा फ्लाई। मस्टर्ड सा फ्लाई हाइमेनोप्टेरा में आती है, उसमें क्या बनता है? ग्रब बनता है। मस्टर्ड सा फ्लाई इसमें नहीं आएगी। इसके अलावा इसमें वाइट फ्लाई इसमें नहीं आएगी, वाइट फ्लाई में निम्फ बनता है, ये भी इसमें नहीं आएगी। तो दोनों चीज़ें इसमें नहीं आएगी, दोनों फ्लाइज, बाकी डिप्टेरा में सब फ्लाइज आ जाती है। उनके लार्वा का नाम क्या है? मैगट है। लार्वा मतलब इल्ली। तो चार प्रकार की इल्लियाँ या लार्वा हो गए। निम्फ को अपन मान रहे हैं, यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं। इसके अलावा कैटरपिलर, ग्रब और मैगट। ठीक है, मेनली जो ग्रब होता है वो किसका होता है? कोलियोप्टेरा का होता है। मेनली ग्रब किसका होता है? कोलियोप्टेरा का। और ठीक है, और निम्फ हमेशा हेमिप्टेरा लगभग में हेमिप्टेरा में बनता है, और मैगट हमेशा डिप्टेरा में बनता है, उसके लार्वा का नाम है। हालांकि इन सब में लार्वा बनते हैं और इनमें निम्फ बनता है, लेकिन जो लार्वा बनते हैं उनके लार्वा का नाम है ग्रब, मैगट और कैटरपिलर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन। अब इसके माउथ पार्ट की बात करते हैं। इंसेक्ट एलिमेंट्री एंटोमोलॉजी है तुम्हारा सब्जेक्ट, ज़्यादा डीप नहीं पढ़ेंगे। माउथ पार्ट की बात करता हूँ। माउथ पार्ट्स में मैंने बता दिया था, जिसने आर्थ्रोपोडा का वाली जो जूलॉजी क्लासिफिकेशन क्लास नहीं देखी उसमें देख लेना, वो चीज़ मैं यहाँ पर छोड़ दूंगा। ठीक है, इसके अलावा माउथ पार्ट की बात करते हैं। देखो, माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट, माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट। देखो, माउथ पार्ट्स में क्या होता है? इंसेक्ट में जो माउथ पार्ट होता है वो बेसिकली किस पे डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से फीड करता है, किस प्रकार से फीड करता है? जैसे वो काट कर खाता है, या फिर सेल शेप को वो सक करके खाता है। ठीक है, या फिर वो उसके अंदर साइपन बनी होती है मुख में, तो वो चूस कर पीता है, किसी को सकिंग करता है, या चुबाता है, पियर्सिंग करता है, बाइटिंग करता है, क्रशिंग करता है। तो भोजन के आधार पर उसमें क्या होता है? फूड के आधार पर, फीडिंग के आधार पर क्या होता है उसमें? माउथ पार्ट्स होते हैं। तो अलग अलग माउथ पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा तुम्हें, माउथ पार्ट्स लिखा हुआ है यहाँ पर। माउथ पार्ट्स डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, तो मैं माउथ पार्ट के बारे में बता दूंगा। माउथ पार्ट सभी इंसेक्ट में बेसिकली पाँच, उसमें पाँच ऑर्गन इंपॉर्टेंट है, पाँच ऑर्गन इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है माउथ पार्ट, माउथ पार्ट्स में देखो क्या क्या है। माउथ पार्ट में सबसे इम्पोर्टेंट है मैक्सिला, पांच पार्ट्स के होते हैं। एक होते हैं मैंडिबल्स, सेकंड होता है अपना यहाँ पर लेबियम, चौथा होता है लेब्रम, और हाइपोफेरिंग्स। ठीक है, मैक्सिला, मैंडिबल, लेबियम, लेब्रम और हाइपोफेरिंग्स। मैक्सिला क्या करती है? मैक्सिला फूड को क्या करती है? काटती है, फूड कटिंग का काम करती है। ये पार्ट किसके हैं? माउथ पार्ट है, इंसेक्ट के माउथ पार्ट है, बेसिक माउथ पार्ट है। फूड कटिंग करती है और होल्डिंग करती है, फूड को होल्ड करती है और फूड की कटिंग करती है। मैंडिबल्स क्या करते हैं? क्रशिंग करते हैं, मैंडिबल क्रशिंग ऑफ फूड, इनके इंपॉर्टेंट कार्य फंक्शन है, याद कर लेना। मैंडिबल को क्या बोलते हैं? जबड़े या जोस। ठीक है, लेबियम को बोलते हैं अपन लोअर लिप, और लेब्रम को बोलते हैं अपर लिप, यानी ऊपरी होठ, निचला होठ। दोनों क्या करते हैं? भोजन को, ये भी क्या करते, फूड को होल्ड करके रखते हैं ताकि मुंह से ये बाहर ना गिरे। ठीक है, अपने होठ किस लिए होते हैं? ताकि भोजन बाहर ना निकले, फोल्ड करके रखते हैं, वैसे इन दोनों का काम है। हाइपोफेरिंग्स, इनको कॉकरोच या फिर इंसेक्ट की टंग, इंसेक्ट की टंग यानी कि जिह्वा जो होती है, जिह्वा वो क्या होती है? हाइपोफेरिंग्स। ये इसमें क्या होती है? इसमें सलाइवरी ग्लैंड होती है, सलाइवरी ग्लैंड होती है। सलाइवरी ग्लैंड को अपन हाइपोफेरिंग्स के निचले भाग में सलाइवरी ग्लैंड होती है। तो ये भोजन में क्या, यानी फूड में क्या मिलाती है? पाचन के लिए सलाइवा मिक्स करती है हाइपोफेरिंग्स। ये जीभ कहलाती है, ये निचला होठ, ये ऊपरी होठ, और ये इसके जबड़े कहलाते हैं। और मैक्सिला क्या करती है? भोजन को उठाती है और काटती है, और काट कर मैंडिबल्स को देती है। मैंडिबल जबड़े हैं,
कीट के यानी इंसेक्ट के जबड़े हैं तो ये पीसते हैं, ठीक है, ये पीस देते हैं। तो माउथ पार्ट इंपॉर्टेंट ये होता है, ठीक है, माउथ पार्ट ही है। अब अलग अलग टाइप के माउथ पार्ट होते हैं, वो अलग अलग टाइप के माउथ पार्ट में एक बार वो बताता हूँ, डिफरेंट टाइप ऑफ माउथ पार्ट, इंसेक्ट के डिफरेंट टाइप ऑफ माउथ पार्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे लिखते हैं अपन डिफरेंट टाइप ऑफ माउथ पार्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ माउथ पार्ट, ठीक है। पहला एग्रीकल्चर में जो इम्पोर्टेंट है, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट जो कि सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं वो माउथ पार्ट, अपन दो माउथ पार्ट देखो, बाइटिंग ये इसको बोलते हैं चेविंग, बाइटिंग चेविंग या कटिंग, कटिंग यानी काट कर या उसको चबा कर या कटिंग करना, बाइटिंग करना बात बराबर है, और चेविंग, ठीक है, बाइटिंग एंड चेविंग टाइप, बाइटिंग एंड चेविंग टाइप, इसका पूरा नाम मैं लिख देता हूँ एक साथ, या तो अपन इसको बोल सकते हैं बाइटिंग या कटिंग, ठीक है, दोनों सेम है। एंड चेविंग टाइप, एंड चेविंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट, ठीक है, ये किस किस में पाए जाते हैं याद रखना, ये टर्माइट में पाए जाते हैं, ठीक है, ग्रास होपर में पाए जाते हैं बाइटिंग, और एक कैटरपिलर में, स्पेशल किस में पाए जाते हैं, कैटरपिलर में, यानी कि जो काट कर खाते हैं उनमें, अब ये देख लेना है किस में आते हैं, ठीक है, कैटरपिलर यानी लार्वा में, जो मैंडिबुलेट लार्वा होते हैं उसमें, और ये कॉकरोच में पाए जाते हैं, ठीक है, तो काट कर और चबा कर खाते हैं वो टर्माइट, ग्रास ऑफर, कैटरपिलर, कॉकरोच। इसके अलावा ये अपने किस में पाए जाएंगे, ये बग्स में पाए जाएंगे, ट्रू बग्स में पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये एफिड जेसिड इनमें सब में, एक्चुअली एफिड जेसिड में अपना पियर्सिंग सेकिंग होता है, इनमें बग्स में, इसमें बग्स में शायद इसको रहने दो, बग्स को उसमें दूसरा लिखा देंगे। तो ये वाले जो इंसेक्ट हैं, टर्माइट है, ग्रास ऑफर, कैटरपिलर, कॉकरोच, ठीक है, ये सब में क्या पाए जाते हैं, इन सब में बाइटिंग और कटिंग टाइप आइसो पार्ट, जो माउथ पार्ट पाए जाते हैं इसमें। इसके अलावा देखो, बाइटिंग और कटिंग जो करेंगे, जो भी क्रॉप को काट कर चबा कर ये खाएंगे, तो वो उनके लिए अपन को कौन से प्रकार के इंसेक्टिसाइड यूज करना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, उनके लिए करने चाहिए अपन को स्टोमक पॉइजन, ठीक है। तो जिनमें ये माउथ पार्ट पाए जाएंगे उनको करना चाहिए स्टोमक पॉइजन वाले, ठीक है, जो कि ज़्यादातर कहाँ है, जो स्टोमक यानी पेट में जाए उनके चबा कर खाए, तो वो माउथ पार्ट में अपन को, जैसे अपन प्लांट में इनमें स्प्रे कर दो, ठीक है, प्लांट में स्प्रे कर देते हैं, तो जब काट कर चबाए खाएंगे तो कहाँ जाएंगे, अंदर, और पेट में जाएंगे, जब स्टोमक में जाएंगे तो उनको मार डालेंगे, इंसेक्ट को मार डालेंगे। तो ऐसे इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं अपन स्टोमक पॉइजन। स्टोमक पॉइजन में कौन कौन से, जैसे टॉक्सोफिन मान लो, टॉक्सोफिन है, ठीक है, टॉक्सोफिन है, एंडोसल्फान है, एंडोसल्फान, इसको अपन थायोडोन बोलते हैं, थायोडोन, थायोडान इसको बोल सकते हैं एंडोसल्फान को, ठीक है। तो जैसे अपना टॉक्सोफिन है, एंडोसल्फान है, ये अपना क्यूनोलफोस है, क्यूनोल फोस, ठीक है, इसके अलावा एल्ड्रिन है, एल्ड्रिन है, इसको अपन एल्ड्रिन है, अपने पास डीडीटी है, ठीक है, डीडीटी की फुल फॉर्म में डाइक्लोरो ट्राइफिनॉक्सी, ऐसी तरीके से आप डीडीटी की फॉर्म बताने की जरूरत नहीं है, आप सब पढ़े लिखे हो, डीडीटी की फॉर्म याद कर लेना, ठीक है, एल्ड्रिन है, डीडीटी है, क्यूनोलफोस है, एंडोसल्फान है, ठीक है, इसके अलावा टॉक्सोफिन है। टॉक्सोफिन क्या है, टॉक्सोफिन बेसिकली स्टोमक पॉइजन ही है, जबकि ये सब क्या है, स्टोमक भी है और प्लस कॉन्टेक्ट भी हैं, अर्थात ये अगर टच भी हो जाएंगे तब भी मार डालेंगे, और स्टोमक टॉक्सोफिन तो अंदर जाएगा जब भी जाके इसको मारेगा। तो इनके लिए क्या करते हैं, स्टोमक पॉइजन का अपन यूज करते हैं, जैसे डीडीटी हो गया, एल्ड्रिन हो गया, क्यूनोलफोस हो गया, ठीक है, और एंडोसल्फान हो गया, और अपने पास टॉक्सोफिन हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब बाइटिंग और चेविंग टाइप के माउथ पार्ट जो रखते हैं, कैटरपिलर वगैरह काट कर चबा कर जो इंसेक्ट खाते हैं उनके लिए अपन ये स्टोमक पॉइजन यूज करते हैं। इसके अलावा दूसरे एग्रीकल्चर में इम्पोर्टेंट कौन कौन से, दूसरे एग्रीकल्चर में इम्पोर्टेंट जो है अपने पास,
वो है एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट कौन से माउथ पार्ट हैं, पियर्सिंग और सकिंग टाइप, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप यानी चूस कर और खाने वाले, ये किस में होते हैं? जनरली तो मॉस्क्यूटो में पाए जाते हैं लेकिन मॉस्क्यूटो क्रॉप के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मॉस्क्यूटो क्रॉप के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके अलावा पियर्सिंग और सकिंग टाइप जो क्रॉप के लिए बेसिकली क्रॉप के लिए इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंट है वो है अपने पास एफिड है, जेसिड है, एफिड है, जेसिड है, ठीक है। तो एफिड और जेसिड जैसे कीटों के लिए अपन क्या करते हैं, इनकी सॉफ्ट बॉडी होती है, क्या करते हैं पहले चुबाते हैं फिर तो उसके बाद ये खाते हैं, ठीक है। एफिड और जेसिड में दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट है, इनके दो स्टेज इम्प और एडल्ट दोनों ही क्या करती है, दोनों नुकसान करते हैं इम्प और एडल्ट। इनके लिए अपन को क्या करना चाहिए, कौन से पॉइजन या इंसेक्टिसाइड, ऐसे पॉइजन जो इंसेक्ट को मारते हैं उनको क्या बोलते हैं, इंसेक्टिसाइड, ऐसे केमिकल जो इंसेक्ट को खत्म करते हैं उनको बोलते हैं इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड एक्ट की बात करें तो ये अपना सितंबर और 1968 में इंसेक्टिसाइड एक्ट आया था, रूल एंड रेगुलेशन बनाने के लिए। इंसेक्टिसाइड एक्ट कब आया था, इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 में आया था। और पॉइजन है ये तो इंसेक्ट को मारते हैं, ठीक है। अगर बात करें देखो मॉस्किटो एफिड जेसिड वगैरह जो सॉफ्ट बॉडी थ्रिप्स हैं जैसे, ठीक है, थ्रिप्स भी क्या करते हैं चुबाकर पियर्सिंग करके सकिंग करके खाते हैं, तो इनके लिए ज़रूरी है, इनके लिए अपना कॉन्टैक्ट पॉइजन जरूरी है, कॉन्टैक्ट पॉइजन भी ज़रूरी है, कॉन्टैक्ट पॉइजन प्लस इनके लिए ज़रूरी है सिस्टेमिक पॉइजन, सिस्टेमिक पॉइजन, ठीक है, सिस्टेमिक पॉइजन अपने ज़रूरी है। देखो जैसे सिस्टेमिक पॉइजन में क्या है, सिस्टेमिक पॉइजन में अपन न्यूवाक्रोन, नोवाक्रोन है, नोवाक्रोन अपने पास डाईमेथोएट है, डाईमेथोएट है, ठीक है। सिस्टोक्स है, सिस्टोक्स है, मेटासिस्टोक्स है, सिस्टोक्स है, मेटासिस्टोक्स, डाईमेथोएट है, नोवाक्रोन वगैरह है, ये सब क्या है सिस्टेमिक पॉइजन है, ठीक है। तो इन पॉइजन का अपन यूज करते हैं जो कि पियर्सिंग और सकिंग टाइप के इंसेक्ट है। इसकी टेंशन मत लो, इंसेक्टिसाइड कौन से यूज करेंगे, कहाँ यूज़ करेंगे, मैं पीडीएफ भी नहीं बन पाई तो मैं आपको स्क्रीनशॉट लेकर बुक के आपको पहुँचा दूंगा, आप टेलीग्राम से या इस नंबर पे जुड़ जाना, मैं उसको ऐड कर लूँगा व्हाट्सएप ग्रुप में, या व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक नीचे दे दी गई है उसमें, अगर ऐड नहीं हो पा रहे हो कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस नंबर पे मैसेज कर देना, मैं ऐड कर दूँगा, या टेलीग्राम पे अगर जुड़ पाए तो टेलीग्राम पे जुड़ जाना। आज अपन एंटोमोलॉजी के जितनी इंपॉर्टेंट है उनके मैं आपको स्क्रीनशॉट लेकर भेज दूँगा, ठीक है। चलो इसके अलावा कौन कौन से और माउथ पार्ट है, इसके अलावा माउथ पार्ट है अपने पास बाइटिंग एंड चेविंग टाइप हो गया है, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप हो गया है, ठीक है, पियर्सिंग और सकिंग टाइप भी हो गया है। इसके अलावा अपने पास है तीसरे प्रकार के माउथ पार्ट, देखो साइफन टाइप, साइफनिंग टाइप यानी कि नलिकाकार, तो नलिकाकार पाए जाते हैं बटरफ्लाई में, ठीक है, याद है तुम्हें लंबी नलिका से। ये सिंपल सकिंग टाइप भी बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, सिंपल सकिंग टाइप, सिंपल सकिंग टाइप बोलते हैं। इसके अलावा और माउथ पार्ट है अपने साइफनिंग के अलावा, बटरफ्लाई के अलावा, तो अपने पास होंगे लेपिंग एंड रेस्पिंग, या फिर लेपिंग की जगह या कटिंग यानी कि बाइटिंग एंड रेस्पिंग या लेपिंग, ये चाटने चबाने लपलपाने वाले, चाटने चबाने लपलपाने वाले, ये सब किस में पाए जाते हैं, हनी बी में पाए जाते हैं, हनी बी में पाए जाते हैं, ठीक है। तो लेपिंग और रेस्पिंग टाइप के अपने हनी बी में आ गए, साइपनिंग टाइप के अपने किस में आ गए, बटरफ्लाई में, काटने और चबाने वाले जो अपन ने उसमें पढ़े थे कॉकरोच वगैरह, उनको मैंडिबुलेट टाइप भी बोलते हैं। तो मैंडिबुलेट टाइप भी किसके लिए, काट के और चबा के खाने वालों के लिए। तो ये माउथ पार्ट है, माउथ पार्ट के बारे में मैंने पहले बता दिया, आप एनिमल क्लासिफिकेशन देख सकते हो, जो आर्थ्रोपोडा वाला वो देख लेना एंटोमोलॉजी के लिए, एंटोमोलॉजी की सब बेसिक चीज़ें मैंने कहाँ बता रखी है, वहाँ पर बता रखी है। तो यहाँ पर अगर छूट गया तो वहाँ पर बता दिया गया है, पहले हो चुका है एक बार, ये एग्रीकल्चर में आ गया है एंटोमोलॉजी, इसलिए इधर बता दिया है, ठीक है। इसके अलावा एंटीनी पाई जाती है, इसके अलावा
लेग्स के टाइप हैं, एंटीनी के टाइप है, तो लेग्स और एंटीनी के टाइप बहुत ज़्यादा हैं और सिंपल हैं, उनको केवल रटना है तुम्हें कि वॉकिंग टाइप इधर से, सक्टोरियल टाइप, जंपिंग टाइप एंड साउंड क्रिएटिंग किस में पाए जाते हैं, टिड्डे में, मेंटिस में वगैरह में, तो लेग और एंटीनी के टाइप। एंटीनी भी अलग अलग, मोनिलिफॉर्म इधर से फिलीफॉर्म एंटीनी किस में पाई जाती है, लार्वा के टाइप मैंने बता दिए हैं, ठीक है। ये सिंपल सिंपल चल रहा है, बाकी अगर एलिमेंट्री एंटोमोलॉजी उन्होंने टॉपिक दिया तो एलिमेंट्री पूछेंगे और डीप नहीं पूछेंगे। इसके अलावा देखो, क्रॉप पेस्ट है जो कि फील्ड में लगते हैं, वीट, मेज, राइस, इनमें जो वहाँ पर फील्ड में लगते हैं वो अलग बात है, फील्ड में लगते हैं, लेकिन FCI का एग्ज़ाम है इसलिए फूड कॉरपोरेशन वो स्टोरेज का काम करती है, तो अपन को ज़्यादातर क्या पढ़ने हैं, स्टोर ग्रेन पेस्ट पढ़ने हैं। तो मैं कुछ यहाँ पर आपको सिंपली स्टोर ग्रेन पेस्ट के नाम लिखा देता हूँ और उनके ऑर्डर, बाद में स्टोर ग्रेन पेस्ट के बारे में अपन जब नेक्स्ट क्लास होगी तो नेक्स्ट क्लास में अपन डिटेल से अपन उनको देख लेंगे। तो सम इंसेक्ट, सम इम्पोर्टेंट इंसेक्ट किसके, स्टोर ग्रेन पेस्ट के, वो आपको याद होना चाहिए। उनके डायरेक्ट नाम पूछते हैं, इसका नाम क्या है, ये स्टोरेज में लगता है, तो स्टोरेज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो स्टोरेज पेस्ट जो है, स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट, उनका मैं नाम लिखा देता हूँ, ठीक है। देखो, इम्पोर्टेंट स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट, मतलब ग्रेन मतलब दाने, अनाज के दाने, किसी के भी दाने, उनमें जो स्टोरेज कर रखा है उसके लिए इम्पोर्टेंट इंसेक्ट कौन से हैं, ये क्या लगते हैं, फील्ड पर नहीं लगते हैं, ये कहाँ लगते हैं, स्टोर में लगते हैं। एक एग्जांपल है जो फील्ड और इंसेक्ट दो, फील्ड और स्टोरेज दोनों में लगता है, उसका नाम है अपना एंगोमस ग्रेन मोथ, ठीक है। स्टोर ग्रेन इंसेक्ट में एग्जाम्पल क्या क्या है, पहला देखो, राइस वीविल लिखना है आपको, राइस वीविल, ठीक है। राइस वीविल का जो जूलॉजिकल नेम है, यहाँ मैं जूलॉजिकल नेम मेंशन कर देता हूँ, राइस वीविल को बोलते हैं अपन सीटोफिलस ओराइजी, ठीक है। सीटोफिलस ओराइजी राइस वीविल है, चावल का घुन बोलते हैं इसको, ठीक है। जो चावल की स्टोर अपने डिब्बे में चावल भर लो तुम, तो उसमें छोटे छोटे वीविल पड़ जाएंगे राइस में, ठीक है, चावल के कंटेनर में होता है। इसके बाद अपन बोलते हैं खपरा बीटल, खपरा बीटल, कपरा बीटल, या इसको अपन वीट वीविल भी बोलते हैं, इसको दूसरे नाम क्या है, वीट वीविल बोलते हैं कपरा बीटल को। इसका नाम है ट्रोगोडर्मा, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम, ठीक है, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम। इसके अलावा अपने पास पल्स बीटल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चने में आपने देखा होगा, चने में केवल वो चने के सीड का आवरण छोड़ता है, केवल उसका कवर, बाकी अंदर का सब कुछ खा के निकल जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं पल्स बीटल। दालों में लगता है इसलिए इसको बोलते हैं पल्स बीटल, लाल कलर का होता है छोटा सा, ठीक है, वो दालों में लगता है ज़्यादातर, चना सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है इसमें। पल्स बीटल को बोलते हैं केलोसो ब्रंकस चाइनेंसिस, ये पल्स बीटल है। इसके अलावा मूंग में एक लगता है मूंग धोरा, जिसको बोलते हैं अपन मूंग धोरा, स्पेशल मूंग में लगता है इसलिए, हालांकि ये पल्स बीटल है दोनों, तो ये मूंग में भी लग सकता है, ये मूंग धोरा पल्स में भी और बाकी दूसरी पल्स में भी लग सकता है, लेकिन मूंग धोरा स्पेशल उसको बोलते हैं, क्योंकि मूंग में जो है वो इसलिए मूंग धोरा बोलते हैं। इसका नाम है केलोसो ब्रंकस, अपने इसको केलोसो ब्रंकस, इसको नेवेलिस बोलते हैं, क्या बनकर नेवेलिस को बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपने पास पांचवा जो है अपने पास, अपन इसको बोल सकते हैं लेजर ग्रेन बोरर, ठीक है, लेजर ग्रेन बोरर। ये क्या होता है, ज़्यादा अंदर नहीं जा पाता है, ऊपर ऊपर से त्वचा वो पाउडर फॉर्म में जो निकलता है उसको खा लेता है, जो अपने राइजो परता डोमिनिका इसको बोलते हैं, राइजो परता डोमिनिका, ठीक है, राइजो परता डोमिनिका। एक होता है जो आटे में लगता है, ठीक है, फ्लोर, तो उसको बोलते हैं लाल कलर का होता है, आटे में लगता है, रेड फ्लोर बीटल, ठीक है, रेड फ्लोर बीटल इसको बोलते हैं। इसका नाम है ट्राइबोलियम, ट्राइबोलियम कास्टनियम,
ट्राइगोलियम कास्टानियम, ये अपने आटे में लगता है, लाल कलर के छोटे छोटे घुन होते हैं, बीटल्स बोलते हैं, तो ये हो गया ट्राइबोलियम कास्टानियम। ठीक है, तो ये राइस बीबिल, सिटोफिलस ओराइजी, खपरा बीटल, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम, पल्स बीटल, केलोसोब्रंकस चाइनेंसिस, मूंग धोरा, केलोसोब्रंकस नेवेलिस, इधर से अपना लेजर ग्रेन बोलर राइजोप्रता डोमिनिका, और रेड फ्लोर बीटल ट्राइबोलियम कास्टानियम, ये सब किस में आते हैं? ये सब आते हैं कोलियोप्टेरा में। कौन से ऑर्डर में? कोलियोप्टेरा में। ठीक है, और कोलियोप्टेरा ऑर्डर में आते हैं, जिसमें क्या बनता है? जिसमें बनता है ग्रब, जिसका लार्वा का नाम क्या है? ग्रब, इसका लार्वा है ग्रब। और कोलियोप्टेरा ऐसा ऑर्डर है, याद रखना, ये एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाता है, तो हार्मफुल ऑर्डर है ये, मोस्ट हार्मफुल ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में मोस्ट हार्मफुल ऑर्डर है रेड फ्लोर बीटल और ट्राइबोलियम कास्टानियम। ठीक है, इसके अलावा कुछ और हैं, जैसे मैं बताऊँ, अपने पास कोलियोप्टेरा के अलावा कुछ, अपने पास ग्रब यानी कोलियोप्टेरा के अलावा जो कि स्टोर ग्रेन पेस्ट है, कुछ और है जो लेफिडिप्टेरा में भी आते हैं, जैसे कि अपने पास एंग्यूमोस ग्रेन मोथ। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन सिटोट्रोगा सीरियलेला। ठीक है, सीटोट्रोगा सीरियलेला इसको बोलते हैं। इसके अलावा जो इंडियन मील मोथ है, इंडियन मील मोथ, या इसको बोलते हैं इंडियन मिली मोथ। ठीक है, इंडियन मिली मोथ, इसका नाम है अपना, इंडियन मिली मोथ का नाम प्लोडिया एंटर पंक्चेला। प्लोडिया एंटर पंक्चेला, एक है अपने पास सिट्रोटोगा सीरियलेला, ये क्या है? एंग्यूमोस ग्रेन मोथ। एक है अपने पास इंडियन मिली मोथ, इसको बोलते हैं प्लोडिया एंटर पंक्चेला। इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम आ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा नवा एक और देख लो, नाइन्थ वाला अपना, जो कि अपना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है देखो इंडियन मिली मोथ, एक बार क्वेश्चन आ चुका है सबके, ये इंपॉर्टेंट, इतने इंपॉर्टेंट है, जैसे इंडियन मिली मोथ तो हर बार पूछा जाता है, प्लोडिया एंटर पंक्चेला। ठीक है, थोड़ा नाम अजीब है इसलिए इसको जा देते हैं। और कोई पूछते हैं चावल में क्या लगता है, सिटोटोगा ओराइजी यानी कि ये, और चावल में याद रखना एक और लगता है जिसको अपन बोलते हैं कोर्साइरा सिपोलोनिका, जिसको बोलते हैं राइस मोथ। ठीक है, राइस मोथ बोलते हैं, चावल में एक और लगता है राइस मोथ, इसको बोलते हैं कोर्साइरा सिपेलोनिका, ये राइस मोथ है। ठीक है, तो ये बाकी तीन, नीचे वाले तीन जो हैं ये किस में आते हैं? ये लेपिडोप्टेरा में आते हैं। ठीक है, ये मोथ है, ये क्या है? ये मोथ है, राइस मोथ है, ग्रेन मोथ है, और ये इंडियन मिली मोथ है, ये किस में आएंगे? लेपिडोप्टेरा में। बाकी सब जो है किस में आएंगे? ये बाकी सब कोलियोप्टेरा में आएंगे। इनकी मोथ है तो इनमें क्या पाया जाएगी? इनमें अपने स्टेज पाई जाएगी, अपने कैटरपिलर स्टेज पाई जाएगी, और इसमें पाई जाएगी अपने पास ग्रब पाया जाएगा। ठीक है, एग्रीकल्चर की क्लास आज अपने यहाँ स्टॉप करते हैं, और कल एग्रीकल्चर में एंटोमोलॉजी में, अगर शाम को टाइम मिला मुझे तो एंटोमोलॉजी अपन आज ख़त्म कर लेंगे। इसमें कुछ फील्ड के इंसेक्ट इंपॉर्टेंट है, फील्ड के इंसेक्ट हमको पढ़ना है, जैसे वीट राइस के फील्ड में कौन कौन से, और क्या क्या उनमें कैरेक्टर सिम्टम और डैमेजिंग स्टेज क्या क्या है। एक क्लास और लगेगी, एलिमेंट्री एंटोमोलॉजी ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा प्लांट प्रोटेक्शन यानी कि डिजीजेज, तो डिजीज के बारे में अपन को पढ़ना है। एक बात और याद रखना, अब हाँ जो ये तो लिख लिया होगा आपने, इसके अलावा एक बात याद और रखना, देखो कि जैसे कितनी कितनी हानि होती है, परसेंटेज लॉसेज कितने होते हैं, और याद रखना देखो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा लॉस किससे होता है? वीट से होता है, 33-35% लॉस। ठीक है, इसके अलावा अपने बात करें डिजीज से लॉस होता है लगभग 25-27% तक डिजीज से होता है। इसके अलावा इंसेक्ट पेस्ट जो है, इंसेक्ट से एंड रोडेंट्स से, रोडेंट्स मतलब चूहे वगैरह, रोडेंट्स मतलब जो कुतर कर खाते हैं उनको बोलते हैं रोडेंट, इंसेक्ट रोडेंट, तुम्हारे टॉपिक भी इंसेक्ट रोडेंट। ठीक है, तो रोडेंट भी पढ़ना है अपन को, डिफरेंट टाइप के चूहे हैं वगैरह, माउस वगैरह, तो पढ़ने कैसे, क्योंकि जो भंडारण है FCI का, जो स्टोरेज गोदाम है, गोडाउन है, उनमें ज़्यादातर अटैक इनका होता है माउस का। इन्होंने रोडेंट टॉपिक दिया, और रोडेंट पढ़ेंगे, रोडेंट की विशेषता पढ़ेंगे, रोडेंट मेमेलिया में आते हैं तो मेमेलिया के सारे कैरेक्टर पढ़ेंगे,
ठीक है, तो इंसेक्ट और रोडेंट तुम्हारा टॉपिक है, इंसेक्ट और रोडेंट के कारण भी लगभग 26% क्या होता है, लॉस होता है, 26% लॉस होता है अपने इंसेक्ट और रोडेंट के कारण। डिजीज के कारण होता है 25-70% लॉस डिजीज के कारण होता है, वीड्स के कारण होता है 33-35 लॉसेस किसके कारण होते हैं, डिजीज के कारण, ठीक है। बाकी और बचे हुए एक्स्ट्रा जैसे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस वगैरह हो जाते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ याद रखना, जो अपन इनसे प्रोटेक्शन के लिए क्या छिड़कते हैं, प्रोटेक्शन के लिए अपन सबसे ज़्यादा कौन, बैक्टीरियोसाइड, अगर डिजीज़ लगेगी तो बैक्टीरियोसाइड सबसे ज़्यादा अपन छिड़कते हैं, स्प्रे करते हैं। 70% ऑफ जो पॉइजन अपन पॉइजन छिड़कते हैं वो किसको मारने के लिए छिड़कते हैं, फसलों पर जीवाणुओं को मारने के लिए अपन पॉइजन छिड़कते हैं। तो 70% अपन टोटल स्प्रे का या टोटल अपन खर्चा होता है, तो अपने इंडिया में 70% किसको, बैक्टीरियोसाइड को छिड़कते हैं। इसके अलावा इंसेक्टीसाइड जो है, इंसेक्टीसाइड इसको अपन छिड़कते हैं 12-15% इंसेक्टीसाइड छिड़कते हैं। टोटल जो केमिकल अपन डालते हैं फील्ड में उसका बता रहा हूँ मैं, टोटल केमिकल बैक्टीरिया को मारने के लिए 70% ऑफ केमिकल आर बैक्टीरियोसाइड, और 12-15% इंसेक्टीसाइड, और वीडीसाइड जो वीड को मारता है वो लगभग अपन 4-5% केमिकल वीडीसाइड यानी हर्बिसाइड छिड़कते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है ये, कभी पूछ सकते हैं कि वीड्स कितना लॉस करती है 33-35 डिजीज ये इंसेक्ट रोडेंट से वगैरह वगैरह लॉसेज हैं, और उनको मारने के लिए जो केमिकल छिड़कते हैं वो कितना कितना परसेंटेज अपन छिड़कते हैं। तो ये एग्रीकल्चर में इम्पोर्टेंट जो थे मैंने ये सब कुछ बता दिया है। नेक्स्ट क्लास अपनी जब रहेगी तब अपन नेक्स्ट आगे का पढ़ेंगे। आप इसको देखते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड डे, धन्यवाद।